मुझे पंख दे दो। Ready? You're ready. Good. Show. Nice. Go. Looks nice. Go. One second. ये क्या है? This is all wrong. नहीं. ये नहीं चलेगा. Ma'am, show stopper in 30 seconds. हमारे शो स्टॉपर की ड्रेस प्रॉपर्ली ड्रेप नहीं है। She can't come like that. But ma'am, show already start हो चुका है। We don't have any time for change. Perfection के साथ compromise करना नहीं सीखा मैं। Perfection सिर्फ एक मंजिल ही नहीं, एक सफर भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सफर पर कदम तो बढ़ाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मील का हर पत्थर यही याद दिलाता है कि अभी और लगन और मेहनत बाकी है। इन लोगों का एक ही सपना होता है, अपने आप को और अपने काम को सबसे ऊंचे मुकाम पर देखना, जो कभी समझौता नहीं करते, जो अपने हालात की डोर से अपने आसमान को बांधकर नीचे नहीं लाते। इनके लिए तो आसमान भी कम पड़ता है। इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कला से अपना और अपने देश का नाम रोशन करने वाली ऐसी ही शख्सियत का नाम है रितु बेरी। कॉलेज खत्म होने की खुशी मनाऊं या फिर न्यू लाइफ स्टार्ट होने का अफसोस या वाइस वर्सा? यार अब वही आगे की पढ़ाई की टेंशन। रितु, तूने कुछ सोचा कि आगे क्या करेगी? स्कूल में तो कह रही थी कि डॉक्टर बनूंगी, अब यार पता है मैं जो कुछ भी करूंगी ना बेस्ट करूं, फिर चाहे मैं डॉक्टर बनूं, नर्स बनूं या हाउसवाइफ, जो भी बनूंगी नंबर वन बनूंगी। यार ये देख क्या लिखा है, न्यूयॉर्क फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और लिखा है कि पूरे इंडिया में से सिर्फ 22 लोगों को सीट्स मिलेगी, यानी कि जो 22 बेस्ट होंगे से वही जाएंगे। You know what guys? मुझे ना हमेशा से किसी ऐसी चीज की तलाश थी जो अलग हो, जो ज्यादा लोग ना करते और ना करने की सोचते। And I guess ये वही जिसकी मुझे तलाश थी। This is it. यही करूंगी मैं। लेकिन तू फैशन के बारे में क्या जानती है? डॉक्टर भी बनती तो भी सबको शुरू से सीखना पड़ता ना। सीखूंगी तो डिसाइड कर लिया। यस, डिसाइड कर लिया। आर्मी परिवार में जन्मी रितु ने जब फैशन को अपनी जिंदगी में चुना तब उसे इस बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि कुछ कर दिखाने की उसकी लगन उसे बहुत दूर तक ले जाएगी। लेकिन सिर्फ लगन ही काफी नहीं होती और ये बात रितु को बहुत जल्द ही पता चल गई। यू नो, कुछ तो इंटरेस्टिंग है तुम्हें। जैसा तुमने बताया, तुमने अपने वेकेशन में म्यूजियम में काफी टाइम स्पेंड किया, बट क्या तुम्हें नहीं लगता कि सिर्फ आर्ट को समझना काफी नहीं है? सर, मुझे लगता है कि फैशन डिजाइनिंग कुछ एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है और इसके लिए एप्लीकेशन की नहीं इमेजिनेशन की जरूरत होती है। ऑल द बेस्ट एंड वेलकम टू लिफ्ट। थैंक यू।
रितु, तुम नोट्स नहीं लिख रहे? नहीं मैम, मैं नहीं लिख रही। क्यों? मैम, ये जो कुछ भी आपने लिखा है इससे मैं अग्री नहीं करती। ओके। फिर जो तुम असाइनमेंट्स में करोगी शायद मैं अग्री ना। All wrong. But ma'am, ये draping सिर्फ draping से क्या होता है? रितु, तुम्हारा पूरा ध्यान presentation के imagination में लगा रहता है। Theory भी तो आनी चाहिए। Fabric prepare कैसे होता है? ये भी तो पता होना चाहिए। Class की backbencher हो ना, पढ़ाई में ध्यान कहाँ लगेगा? इस असाइनमेंट को मैं अप्रूव नहीं करूंगी। यू गोना हैव टू डू दिस अगेन। थैंक यू। थैंक यू। सच में फेल कर दिया मुझे। मैं तो सोच रही थी कि बस धमकी दे रही है। अरे यार, प्रोफेसर ने किया है तो कुछ तो सोच समझ के किया होगा। सो चिल। यार मैं ये नहीं कह रही कि मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई है। मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि मेरी फैशन की फिलॉसफी थोड़ी अलग है। फैशन एक आर्ट है और उसकी टेक्निकलिटीज पर ध्यान देना मुझसे नहीं होगा। रितु, तू बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग है और तुझसे बहस करना तो किसी के बस की बात नहीं है। राइट। लेकिन फैक्ट यही है कि तुझे ये असाइनमेंट फिर से करना ही पड़ेगा। वो तो मैं करूंगी ही, और तू देखना जो भी मैं करूंगी ना वो एक दिन मास्टरपीस कहलाएगा। हाँ हाँ, पक्का सीधे हॉल ऑफ फेम में ही जाएगा। एक फेलियर नहीं, चैलेंज है, और मैं चैलेंज से कभी नहीं घबराती। हर कदम पे जब भी एक चैलेंज आएगा मैं उसे अपॉर्चुनिटी बनाऊंगी। फैशन स्कूल में रितु की सोच भले ही उसके टीचर्स के साथ मेल ना खाती हो, लेकिन रितु ने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। उसने दोबारा वो असाइनमेंट किया जो उसके टीचर्स को पसंद आया, लेकिन कभी भी उसने अपनी सोच और अपने ख्यालात के साथ समझौता नहीं किया। वो काम सीखती गई और आगे बढ़ती गई। फैशन इंस्टीट्यूट से पास होने के बाद अब वक्त था सबको अपने इस हुनर से मिलवाने का। ये उन दिनों की बात जब दो या तीन फैशन डिजाइनर्स मिलकर एक फैशन शो करते थे, लेकिन रितु को जिस पहचान की तलाश थी वो उसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। So, तुम कह रही हो कि ये सोलो शो करोगी तुम, राइट? हाँ। ओके। लेकिन किसी के साथ मिलके शो करने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये
ये शो मेरा है, मेरे डिजाइन है, मेरी कहानी है, जिसे मैं अपने ढंग से कहना चाहती हूँ। हाँ ये ठीक है, लेकिन जॉइंट शो का स्केल काफी बड़ा होता है, यू नो, लोग आते हैं देखने, हाइप क्रिएट होती है, यू नो। यस, यू आर राइट। और मेरे शो में सब कुछ होगा, वही हाइप, सारे सेलिब्रिटी, सब कुछ। और हाइप, हाइप कैसे क्रिएट होगी? माइक पे होंगे अमिताभ बच्चन, म्यूजिक होगा उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित हरि प्रसाद चौरसी और शिव कुमार शर्मा जी का, सारे डिग्नेटरी, सारे सेलिब्रिटी, सब कुछ। और हमारे शो का नाम होगा संस्कृति, और ये मेरा ट्रिब्यूट होगा हमारी संस्कृति को। रितु दिन रात एक करके अपने पहले शो संस्कृति की तैयारी में लगी हुई थी। ऊंचे गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमान, मुझको मिटाना है इन फासलों को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे। वो शो वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। रितु ने वो शो उससे भी बेहतर करके दिखाया। लो ये देखो, शो हुआ और सक्सेसफुल भी हुआ है। हाँ लेकिन लोग तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि पता नहीं मैं क्या करने की कोशिश कर रही थी। हाँ तो ठीक है ना, सारा हिंदुस्तान तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी जान गया है कि एक नया नाम इंडस्ट्री में आ चुका है। कोई तो है जो कुछ नया, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, which is very good for you. Well, अब नाम हुआ है तो obviously expectations भी होंगी, comparisons भी होंगे। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा competition मैं खुद हूँ। शायद इसीलिए तुम सबसे अलग हो। Well, अब next क्या? Passion का दूसरा नाम है celebration. और अगर कुछ ऐसा है जो लड़कियों की लाइफ में सेलिब्रेट किया जा सकता है तो वो है शादी। मैं कुछ समझा नहीं। अब हम इंडियन औरतों की लाइफ का सबसे बड़ा दिन सेलिब्रेट करेंगे अपने फैशन के। पारी है वेडिंग ऑफ द ईयर की। वेडिंग ऑफ द ईयर का एक और सीजन करना चाहता है चैनल, वो सब मैं आके देखूंगी। आप कहां जा रही हैं? वहां जो दुनिया की सबसे फैशनेबल जगह है। यू मीन पेरिस? यस, पेरिस। साल 1993, रितु ने एक ऐसी उड़ान भरी, एक ऐसी ऊंची उड़ान जो हर फैशन डिजाइनर का एक सपना होता है। रितु जा पहुंची फैशन की राजधानी पेरिस, जहां देखते ही देखते उसके हुनर का डंका बजने लगा। लोग उसके काम को बहुत पसंद करने लगे। लेकिन फिर एक दिन रितु ने अपने बारे में कुछ ऐसा सुना जिसने उसके विश्वास को हिला कर रख दिया। दिन से मैं यही सोच रही थी कि काल और सोफिया मुझे अपने डिजाइन्स क्यों नहीं दिखाना चाहते। I thought शायद फाइनल नहीं किए होंगे, इसीलिए मुझे अपने डिजाइन्स नहीं दिखाना चाहते। But I was wrong. अब जाके पता चला कि ये लोग मुझे अपने डिजाइन्स क्यों नहीं दिखाना चाहते थे। ये लोग समझते हैं कि इंडिया के डिजाइनर्स अपने काम में बहुत कमाल के, लेकिन अपने ओरिजिनल काम में नहीं। यूरोप के डिजाइनर्स को कॉपी कर ले, चाहे मेरे काम से किसी को कितनी भी खुशी क्यों ना मिलती हो,
लेकिन मैं ऐसी बात कैसे सुन सकती हूँ? अब मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि यहाँ के लोग मेरी और इंडियन डिजाइनर्स की ओरिजिनलिटी की तारीफ नहीं करते। ये सोच अब बदलेगी। अब तक सिर्फ मेरा नाम हुआ था, बट अब इंडिया का नाम होगा। What is this? जिस कंट्री ने आपको डेसिमल जीरो दी, योगा दी, उसी कंट्री की तरफ से आप लोगों को गिफ्ट। एंड बाय द वे, ये डिजाइन्स ओरिजिनल। मुझे पंख दे दो। वाह, व्हाट इज दिस? जिस कंट्री ने आपको डेसिमल दी, जीरो दी, योगा दी, उसी कंट्री की तरफ से आप लोगों को गिफ्ट। By the way, she designs original. रितु पहली एशियन औरत थी जो पेरिस के एक बहुत ही बड़े और रेपुटेड फैशन हाउस की हेड डिजाइनर बनी। एक तरफ जहां यूरोप में उनके काम का बोलबाला था, वहीं दूसरे तरफ अपने देश में हर सेलिब्रिटी और हर नए फैशन डिजाइनर की जुबान पर रितु का ही नाम था। देश विदेश के सेलिब्रिटीज को अपनी हुनर और कला से सजाकर रितु ने फैशन की दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसके सपने उसने कभी कॉलेज में देखे थे। जैसे रितु ने अपनी नई दुनिया बना ली, वैसे ही स्टेफ्री विमेन फॉर चेंज भी यही चाहता है कि हर लड़की अपनी हसरतों की तस्वीर में अपने पसंदीदा रंग भरे। सन 1998, 2002 और 2004 की नेशन वाइड वोटिंग में मोस्ट पॉपुलर डिजाइनर का खिताब जीतने वाली रितु के सामने फैशन की दुनिया का आसमान था जहां अब उसकी उड़ान कोई नहीं रोक सकता था। और फिर बारी आई कामयाबी की तस्वीर में कुछ नए रंग भरने की। मैम आपने बुलाया? सोनम, डू यू नो व्हाट ऑटिज्म इज? नो मैम। जाके तनुजा और आरिफ को बुला के लाओ। ओके मैम। क्या आप दोनों में से कोई ये जानता है ऑटिज्म क्या है? नो मैम। नो मैम। मैम एक फ्रेंच कंपनी से मेल आया है, वो लोग चाहते हैं कि आप उनके इनॉग्रेशन डे पर एक शो प्रेजेंट करें। मैम क्या कहूँ उनको, ये हमारे लिए एक बहुत ही प्रेस्टीजियस और प्रॉफिटेबल डील हो सकती है। प्रॉफिटेबल? यस। किसके लिए? हमारे लिए या उनके लिए? नहीं, अगर मेरी ये सक्सेस किसी की जिंदगी बेहतर करने के काम नहीं आ सकती तो फिर इसका क्या मतलब? यू नो व्हाट, मैं लकी थी कि मुझे मेहनत करने का मौका मिला इस सक्सेस को पाने के लिए। लेकिन इस दुनिया में कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि एक नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पाते, वो बच्चे जो ऑटिस्टिक हैं। इस बीमारी के बारे में ज्यादा लोग भी नहीं जानते और ना ही इस पर रिसर्च हो रही है।
डू वन थिंग, एक नए प्रोजेक्ट की तैयारी करो। रितु की कहानी एक ऐसी प्रेरणा है जिसे सुनकर जानकर न जाने कितनी ही लड़कियां अपने एक नए आसमान में अपने ही दिल की एक तस्वीर बनाना चाहेंगी। अब हम ऑटिज्म की अवेयरनेस और उसकी रिसर्च के लिए कुछ करेंगे। पर कैसे मैम? जिस फैशन ने मुझे ये सक्सेस दिया है, अब वही फैशन लोगों की जिंदगी बदलेगा। हमारे बचपन ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब वापस देने की बारी। और फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसकी नींव रखी रितु की क्रिएटिविटी ने और जिसे पंख दिए उसकी नीयत, द ब्लेसेड हार्ट फाउंडेशन, एक ऐसी चैरिटी जो काम करती है उन बच्चों के लिए जो ऑटिस्टिक है और एक अच्छी जिंदगी से दूर है। रितु ने बच्चों के लिए एक नई फैशन लाइन तैयार की जिसका नाम है बेबी बेरी। हर साल बेबी बेरी के साथ जुड़ते गए फिल्म स्टार्स और इस फैशन लाइन के प्रॉफिट का एक एक पैसा न जाने कितने ही बच्चों की जिंदगी बदलता चला गया। मिलेनियम अचीवर अवार्ड, राष्ट्रीय शिरोमणि अवार्ड, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड और शवाले दोलोज्र रिजार्जे दिलेट जो फ्रांस के पद्मश्री के समान है, ये कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो रितु बेरी को अपने काम, अपने हुनर और अपनी कला के लिए मिले। रितु की कहानी एक ऐसी प्रेरणा है जिसे सुनकर जानकर न जाने कितनी ही लड़कियां अपने एक नए आसमान में अपने ही दिल की एक तस्वीर बनाना चाहेंगी। और इस बात का प्रमाण है रितु को मिला एक ऐसा अवार्ड जिसे पाना हर लड़की की ख्वाहिश होती है, कल्पना चावला अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। रितु ने इंडियन फैशन को दुनिया भर में पहुंचा दिया और इंटरनेशनल फैशन के नक्शे पर अपने देश का झंडा गाड़ दिया और आज भी रितु एक के बाद एक नए मुकाम हासिल करने में लगी हुई। रितु की जिंदगी ने न जाने कितनी ही औरतों को अपने सपने साकार करने की प्रेरणा दी और एक बेहतर जिंदगी जीने की सीख दी। इसी तरह स्टेफ्री विमेन फॉर चेंज भी एक कोशिश है उन औरतों की जिंदगी बेहतर बनाने की जो एक अच्छी